हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज हम धागे से कुछ एंकरिंग वर्क करने वाले हैं और हम ये एक पेच वर्क भी उसमें यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा कुर्ता है जिसकी हमने ऑलरेडी कटिंग कर रखी है। इसी कुर्ते के ऊपर हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी प्रकार की अपडेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले दोस्तों, आपको कुर्ते का सेम कलर का कपड़ा लेकर उसको पेपर फिजिंग के ऊपर आयरन की सहायता से चिपका लेना है। ये मैंने आयरन की सहायता से चिपका लिया है। अब हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। ये जो हमारा पैक साइड है, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। ये हमने 2.75 इंच पर निशान लगाया इसका। एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम पाँच इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम गोलाई का निशान लगाएंगे। ये हमने राउंड सर्कल निशान लगा लिया है। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाकर इस तरीके से यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे एक और यहाँ पर हमें राउंड सर्कल इस तरीके से, जैसे हम पानी की बूंद का निशान बनाते हैं उस तरीके से हमें एक मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमें इसको इसी शेप में इस तरीके से कट करना है और बाहर भी हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे इसी शेप में कट कर लेना है, जो कि हम कट कर लेते हैं। ये हमने नेक कट कर लिया है। अब जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें छोटा सा एक कट लगाना है और इस नेक के आउटसाइड जो ये चीज़ है, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। ये हमने इसे इस प्रकार से स्टिच कर लिया है। ये हमारे कुर्ते का फ्रंट साइड है। इसे हमें इस तरीके से लेना है और एक क्रीच हमें बनानी है और इस नेक को इसके ऊपर हमें इस तरीके से अरेंज करते हुए इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसकी स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए, ये हमने आधा बोर्ड का दबाव देते हुए इसे इस प्रकार से स्टिच कर लिया है। और जो हमारा ये यहाँ वाला पोर्शन है, ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से हल्का सा गैप देते हुए इस तरीके से स्टिच किया है। अब हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे। ये हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने गले को पलट लिया है। अब हम यहाँ पर बिल्कुल नोक की सिलाई लगाएंगे। नोक की सिलाई लगाने के बाद में जब हमारा ये पॉइंट आएगा, इसे हमें दोनों पॉइंट को एक साथ रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देना है। अब एक नोक की सिलाई हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ये हमने कॉर्नर की स्टिचिंग लगा ली है।
अब जो हमारा ये पेज है, इस पेज को हमें थोड़ी सी ये फिजिंग लेते हुए इसे इस तरीके से रखना है और इसे यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग लगाते हुए इसे पलट लेना है। ये हमने स्टिचिंग लगा ली है, अब इसे इस तरीके से लेना है। और इसे इस तरीके से हमें पलट देना है और यहाँ पर हमें एक कॉर्नर की सिलाई लगानी है। यहाँ हमने कॉर्नर की स्टिचिंग लगा ली है। अब जो हमारा ये वाला पोर्शन जो हमारा कट हुआ था, इसे हमें इस तरीके से बीच सेंटर में रखते हुए इसे अरेंज करना है। और इसकी एक आउटलाइन हमें बनानी है। ये हमने आउटलाइन बना ली है। अब जो हमारा ये नेक है, इस नेक के नीचे हमें इसे पैच करना है। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक रफली सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमने इसे रफली स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दो वाइट कलर की हमें गिट्टी लेनी है और इस गिट्टी को हमें दोनों गिट्टियों से एक एक थ्रेड लेना है और दोनों थ्रेड को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से हमें इस तरीके से चक्री को भर लेना है और इस चक्री को आपको ऊपर लगाना है। इस तरीके से ऊपर वाले धागे में यूज़ करना है इसे। अब हमें यहाँ पर जो हमने ये कॉर्नर की स्टिचिंग लगाई थी, बिल्कुल इसी के पास में हमें इस वाइट कलर के धागे से इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, हमने एक बार इसे इस तरीके से धागे की एंकरिंग कर ली है। अब हमें यहाँ से दोबारा आधा बुट का दबाव देते हुए वापस से इसकी एंकरिंग करनी है। ये हमने देखिए इस प्रकार से इसकी नेक की एंकरिंग कर ली है। अब ठीक इसी प्रकार से जो हमारी आस्तीन है, आस्तीन पर भी हम एंकरिंग कर लेते हैं। हमने दोनों आस्तीनों पे एंकरिंग कर ली है और हमारी आस्तीन भी रेडी हो चुकी है। इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, हमने ये नेक एंकरिंग के थ्रू डिज़ाइन क्रिएट
इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये एंकरिंग के थ्रू नेप डिज़ाइन कर लिया है। आप भी दोस्तों धागे की एंकरिंग करके एक प्लेन कुर्ते को बहुत अच्छा गॉर्जियस लुक दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो लेकर, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।